आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते हैं। समय के अभाव में घर का बना खाना खाने की बजाय बाहर के तले भुने वजह पदार्थ खाते हैं, जिससे पेट में कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। इसकी तरफ ध्यान नहीं देने पर यह बवासीर यानी पाइल्स जैसी घातक बीमारियों का रूप ले लेती है। बवासीर दो प्रकार की होती है, एक खूनी बवासीर और दूसरी बादी बवासीर। अगर आप भी इनमें से किसी भी बवासीर की समस्या से जूझ रहे हैं तो इसकी अनदेखी न करके मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी औषधि बता रही हूँ जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। यह हर मौसम में पाई जाती है। यह खेतों व सड़कों के किनारे मिलती है। यह जमीन से बिल्कुल चिपके हुए रहती है। इसके पीले रंग के फूल आते हैं। इसमें फास्फोरस, मैग्नीज, विटामिन ए, जस्ता, विटामिन सी, आयरन व पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। इस औषधि को वन गोभी या सिंहपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। इसके पत्ते, फूल व जड़ सभी खाने योग्य होते हैं। इनका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है पर इन्हें खाया जा सकता है। सिंहपर्णी में पालक से भी ज्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं। अब मैं आपका ज्यादा समय ना लेकर आपको बवासीर में इसका कैसे उपयोग करना है यह बताती हूँ। जंगली गोभी को धोकर इसकी पत्तियों को पीसकर लगभग 50 ग्राम गोभी में 22 काली मिर्च डालकर इसकी 5-5 ग्राम की गोली बनाकर एक एक गोली सुबह शाम ले। इसके साथ ही एक सिरप लेना है जिसका नाम है अभ्यारिष्ट। यह आपको किसी भी पतंजलि दुकान पर मिल जाएगा। इसके 4 डग सिरप और 4 ही डग पानी मिलाकर लेने से पहली खुराक से ही आपको फायदा दिखने लगेगा और हफ्ते भर में ही आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी। वन गोभी के पत्तों को कूटकर रस निकाल लें और इस रस को दिन में 3 से 4 बार बवासीर के मस्सों पर लगाएं तो 7 दिन में ही आपके मस्से ठीक हो जाएंगे। जंगली गोभी का रस निकालकर उसमें काली मिर्च व मिश्री मिलाकर पीने से भी मस्सों में खून निकलना बंद हो जाता है। और जंगली गोभी को घी में पकाकर उसमें सेंधा नमक डालकर इस तरकारी को 8 दिन लगातार रोटी के साथ खाने से भी बवासीर ठीक होता है। यह वन गोभी शरीर को फंगस व इन्फेक्शन से भी बचाती है। यह हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। इसके सेवन से पेशाब बहुत ज्यादा आता है जो कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो कि हमें कैंसर से बचाता है। अगर आप सिंहपर्णी की जड़ों व पत्तियों से बनी चाय का सेवन करते हैं तो यह पाचन को बढ़ावा देता है और भूख को भी बढ़ाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार आपके लिए एक और नई जड़ी बूटी की जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।